नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है और कुछ ही समय बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार प्रसार में, यानी कि आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा। राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं रविवार यानी 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 का ये चौथा और आखिरी चरण है। इससे पहले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है। वहीं गुरुवार यानी 30 नवंबर के लिए वोटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जब से तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है तभी से भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, ये पार्टी सत्ता पर काबिज है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और AIMIM सत्ता सुख चाहती है, लेकिन इन पार्टियों के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। 2014 में इन राज्य का गठन हुआ था, तभी से KCR मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। इन पर सभी विरोधी पार्टियों ने परिवारवाद का आरोप भी लगाया है। भारत राष्ट्र समिति के नेता KTR ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि राज्य की जनता के मंसूबों पर हम खरे उतरे हैं, इसलिए हमें तीसरी बार भी सत्ता का सुख मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनाव 2023 में जीत हासिल करके दक्षिण भारत में अपना खाता खोलना चाहती है। इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इस वजह से बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। पार्टी के तमाम बड़े नेता, पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्य में रैली को संबोधित कर रहे हैं। बात कांग्रेस की करें तो उसके लिए बड़ा मौका है, क्योंकि इसी साल कर्नाटक में भारी बहुमत से सरकार बनी है। पार्टी यही ख्वाब देख रही है कि यहाँ भी उसकी सरकार बने, लेकिन आंकड़े उसके पक्ष में नहीं बैठ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष खारगे और पड़ोसी राज्य के CM सिद्धारमैया, सभी लोग लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इस दौरान वह जुबली हिल्स में ऑटो चालकों, गिग श्रमिकों और स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इसके बाद कांग्रेस सांसद के एक ऑटो में बैठकर सवार हुए। राहुल गांधी ने आज जुबली हिल्स में ऑटो वर्कर्स यूनियन GHMC और गिग वर्कर्स यूनियन के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याओं पर गौर किया। इसके साथ ही नामपल्ली में रोड शो किया और एक नुक्कड़ सभा में भी शामिल हुए, जिसके बाद राहुल गांधी मलका जिगरी के आनंद बाग में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जहीराबाद चुनाव प्रचार में शामिल हुई। पार्टी नेताओं का दावा है कि आखिरी दिन सोनिया गांधी को भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। देखना होगा कि पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियां विरोधी दलों पर जमकर तीर चला रहे हैं। VRS ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य की जनता को सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करते हुए कहती है कि CM KCR कभी भी सचिवालय नहीं जाते, वे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जनता से किए सारे वादे भूल चुके हैं, सिर्फ अपनी झोली भर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं और जनता पिस रही है। कांग्रेस ने कहा कि CM KCR सिर्फ फॉर्म हाउस से अपनी सरकार चला रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तेलंगाना में विपक्षी दलों की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस ए इल्तिहादुल
मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने का मतलब भारत राष्ट्र समिति को वोट देना है। शाह ने आगे कहा कि यदि आप उन्हें वोट देते हैं तो आपका वोट स्वचालित रूप से KCR को जाएगा। अमित शाह ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में रोड शो किया और मतदाताओं से राज्य में आगामी चुनाव में BJP को जिताने के लिए लोगों से अपील भी की। मोदी ने निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने निर्णय लिया है कि हर महिला को 4 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। BJP ने तय किया है कि BJP की सरकार बनने पर सभी किसानों से 3100 यानी कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल MSP पर चावल खरीदेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर BJP तेलंगाना में सत्ता में आई तो वो हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद विमोचन दिवस मनाएगी। शाह ने कहा कि ओवैसी के कारण KCR हैदराबाद विमोचन दिवस नहीं मनाते। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्त दिवस मनाएंगे जब भाजपा सरकार बनाएगी। मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का अभिषेक करने जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सवाल किया, क्या आप सभी अयोध्या आना चाहते हैं? BJP की सरकार बनाओ और हम सभी को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि KCR की भ्रष्ट सरकार को बदलो और भाजपा सरकार बनाओ और हम भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों को जेल में डाल देंगे, ऐसा अमित शाह ने कहा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में मौजूदा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पार्टी के चुनाव जीतने पर इसे खत्म करने की घोषणा भी की। बात AIMIM की करें तो वो भी सभी विरोधियों पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव 2023 में AIMIM भी चुनाव अभियान में पीछे नहीं है। पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शाह के इस वादे का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है क्योंकि राज्य में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर अनुभवजन्य डेटा है जो दिवंगत PS कृष्ण की रिपोर्ट के बाद दिया गया है। ओवैसी ने आगे कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिया जा रहा है आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, सबसे पहले मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर अनुभवजन्य डेटा है। दूसरे दिवंगत PS कृष्ण ने एक रिपोर्ट को मसौदा तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय में कुछ पिछड़े वर्ग हैं और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, न कि ऊंचे जात के मुसलमानों को। तीसरा, हर मुसलमान को ये नहीं मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को एक ही चरण में होने हैं। राज्य सत्तारूढ़ BRS, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार है। 4 अन्य राज्यों के साथ वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। पार्टी के विधायक ओवैसी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, देखना होगा कि कहीं ये किंग मेकर की भूमिका में ना आ जाएं। फिलहाल इसका पता तो 30 दिसंबर को चलेगा। फिलहाल हो रहा है छोटे से ब्रेक का, फिर मिलते हैं।